और सीबीटी की अहम खबर आपको बता दें कि बोलेविया में बारिश के बाद सैलाब का कहर देखने को मिला है गांव में। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अहम खबर इस वक्त, आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा ये कहा गया है पवन सिंह की तरफ से। पवन सिंह के चुनाव लड़ने से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पवन सिंह का चुनाव लड़ने से इनकार, आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। पवन सिंह ने यह साफ कर दिया है, पार्टी ने मुझ पर एतमाद करके आसनसोल का उम्मीदवार बनाया, बीजेपी की आला क्यादत का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आसनसोल से बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए सिंगर पवन सिंह ने कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में पवन सिंह ने लिखा है, भारतीय जनता पार्टी की आला क्यादत का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी वजह की वजह से मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। तो पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। यहां पर आसनसोल से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था बीजेपी की तरफ से, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, लेकिन मैं ये चुनाव नहीं लड़ सकता। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, पवन सिंह का चुनाव लड़ने से इनकार सामने आया है, आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा ये साफ कर दिया उन्होंने। उनका साथी ये भी कहना है कि पार्टी ने मुझ पर एतमाद करके आसनसोल का उम्मीदवार बनाया और बीजेपी के आला क्यादत का दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बीजेपी ने दरअसल पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया, ये नाम उनका ऐलान किया, आसनसोल से बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए थे सिंगर पवन सिंह, लेकिन अब उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में पवन सिंह ने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी की आला क्यादत का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं मैं, पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी वजह से मैं ये चुनाव नहीं लड़ सकता।